टेली में ग्रुप्स और लेजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप लेजर्स नहीं बनाएंगे तो आप वाउचर एंट्री नहीं कर सकते, और वाउचर एंट्री नहीं होगी तो कोई रिपोर्ट भी नहीं बनेगी, और जब रिपोर्ट नहीं बनेगी तो टेली का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए टेली में कंपनी बनाने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेजर्स और ग्रुप्स बनाना। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेजर्स और ग्रुप्स क्या होते हैं, और टेली में लेजर्स और ग्रुप्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे अल्टर किया जाता है और कैसे डिस्प्ले किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लेजर्स क्या होते हैं। लेजर्स का मतलब होता है अकाउंट्स यानी खाते। कंपनी में जितने भी लेन देन होते हैं उन सब के खाते बनाए जाते हैं। जैसे कि कंपनी सैलरी देती है तो सैलरी अकाउंट बनाया जाता है, मजदूरी देती है तो वेजेस अकाउंट बनाया जाता है, रेंट देती है तो रेंट अकाउंट बनाया जाता है, बिजली का बिल पे करती है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट बनाया जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे लेजर्स, काफ़ी सारे अकाउंट्स टेली में क्रिएट किए जाते हैं, जिनको टेली में लेजर क्रिएट करना कहा जाता है। टेली में जब भी आपको कोई अकाउंट बनाना हो तो उसके लिए आप लेजर क्रिएट करते हैं। इसको आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि किसी की कोई शॉप है और उस शॉप पर वो लेन देन के लिए एक रजिस्टर बनाता है, तो उस रजिस्टर में वो सबके नाम लिखता है। जैसे कि अगर मैं उस शॉप से कोई सामान खरीदूं तो वो वहाँ पर लिखेंगे ईशान का खाता या ईशान अकाउंट, और उसके अंदर फिर वो लिखेंगे कि इस डेट को ईशान के पास इतना सामान गया जिसके इतने पैसे आए और इतने पैसे उधार है। तो उन्होंने जो रजिस्टर में ये अकाउंट, ये खाता बनाया है, टेली में इसी को लेजर कहा जाता है। इसी तरह से टेली में काफ़ी सारे लेजर्स बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स लेजर्स का कलेक्शन होते हैं। एक ही टाइप के जो काफ़ी सारे लेजर्स होते हैं उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। जैसे कि कंपनी रेंट देती है, सैलरी देती है, मजदूरी देती है, कमीशन देती है, तो ये क्या है, कंपनी के लॉसेस हैं, कंपनी के एक्सपेंसेस, कंपनी के खर्चे हैं। तो इन सब लेजर्स को एक ग्रुप के अंडर रखा जाता है जिसका नाम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो एक ही टाइप के लेजर्स का जब कलेक्शन बनाया जाता है तो उसको कहा जाता है ग्रुप्स। चलिए ग्रुप्स के बारे में मैं आपको और डिटेल्स में समझाता हूँ। टेली ईआरपी 9 में 28 ग्रुप्स पहले से ही बने हुए होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जबकि 13 सब ग्रुप्स होते हैं जिनको सेकेंडरी ग्रुप भी कहा जाता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए, जैसे कि बैंक अकाउंट एक ग्रुप है। अब कंपनी के जितने भी करंट या सेविंग अकाउंट्स होंगे उन सबका अलग अलग लेजर बनाया जाएगा और उस लेजर को बैंक अकाउंट के अंडर में रखा जाएगा। मान लीजिए कि कंपनी के 3 बैंक अकाउंट्स हैं, स्टेट बैंक में है, PNB में है और IDBI में है, तो 3 अलग अलग लेजर क्रिएट किए जाएंगे, जैसे कि SBI बैंक अकाउंट, PNB बैंक अकाउंट, IDBI बैंक अकाउंट, और इन तीनों लेजर्स को बैंक अकाउंट ग्रुप के अंडर रखा जाएगा। इसी तरह से बैंक OD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक OCC यानी बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट एक ग्रुप है। जब भी हम किसी बैंक से लोन लेंगे तो लोन का हम एक अलग से लेजर क्रिएट करेंगे और उस लेजर को हम बैंक OD या बैंक OCC ग्रुप के अंडर रखेंगे। इसी तरह से सिक्योर लोन्स नाम का एक ग्रुप है, तो हमने अगर कोई भी लोन लिया है, सिक्योर लोन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई सिक्योरिटी रखकर लोन लेते हैं तो उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। तो अगर कंपनी कोई भी सिक्योर लोन लेगी तो उसका एक अलग से लेजर बनाया जाएगा और उस लेजर को रखा जाएगा सिक्योर लोन ग्रुप के अंडर। इसी तरह से अनसिक्योर्ड लोन्स नाम का एक ग्रुप है, तो जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन लेंगे, जैसे कि अपने फैमिली वालों से या फ्रेंड से कोई लोन लिया जाता है, तो वहां पर कोई भी चीज़ सिक्योरिटी के लिए नहीं रखी जाती, तो उस लोन को कहा जाता है अनसिक्योर्ड लोन्स। तो उसका एक अलग लेजर बनाया जाएगा और उस लेजर को अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के अंडर रखा जाएगा। इसी तरह से डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का एक ग्रुप है, कंपनी के जितने भी खर्चे होंगे जो कंपनी से रिलेटेड होते हैं और प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो उन सबके अलग अलग लेजर्स बनाए जाते हैं और उन लेजर्स को डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंडर रखा जाता है। जैसे कि कंपनी में काम करने वालों को मजदूरी दी जाती है तो उसके लिए वेजेस नाम का एक लेजर बनाया जाएगा। इसी तरह से कंपनी का बिजली का बिल जाता है तो उसके लिए पावर बिल नाम का एक लेजर बनाया जाएगा। कंपनी का रेंट जाता है तो उसके लिए रेंट नाम का एक लेजर बनाया जाएगा। कंपनी का कोई इंश्योरेंस है तो उसके लिए एक अलग लेजर बनाया जाएगा। तो इन सभी लेजर्स को बनाकर डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम के ग्रुप के अंडर रखा जाएगा।
इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का एक ग्रुप है, कंपनी के जितने भी ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट नहीं होते हैं बल्कि इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे कि डिस्काउंट दिया गया या किसी को फ्री सैंपल दिया गया या किसी को कमीशन दिया गया या इंटरेस्ट दिया गया या फिर बैड डेट्स है, मतलब कि जो उधार दिए थे वो उधार वापस नहीं आया या फिर सैलरी दी गई। तो इस तरह के खर्चे हैं जो कंपनी के डायरेक्ट खर्चे नहीं हैं बल्कि ये इनडायरेक्ट खर्चों में आते हैं। तो इन सब के अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे और उन लेजर्स को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर रखा जाएगा। इसी तरह से इनडायरेक्ट इनकम्स नाम का एक ग्रुप है, कंपनी की ऐसी सभी इनकम्स जो गुड्स को सेल करने के अलावा किसी और तरीके से आती है उन सभी के अलग अलग लेजर्स बनाए जाते हैं और उनको इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर रखा जाता है। जैसे कि कंपनी को कहीं से डिस्काउंट मिला या कंपनी को कहीं से रेंट मिला या कंपनी को कहीं से कमीशन मिला या फिर कोई इंटरेस्ट मिला, तो इन सब के अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे और उन लेजर्स को इनडायरेक्ट इनकम्स के अंडर रखा जाएगा। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट नाम का एक ग्रुप है, कंपनी की जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज है जिनको सेल करने के लिए नहीं खरीदा गया उन सब के अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे और उन लेजर्स को फिक्स्ड एसेट के अंदर रखा जाएगा। जैसे कि कंपनी की मशीनें हैं, बिल्डिंग्स हैं, लैंड है, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल्स हैं, फर्नीचर है, इन सब के अलग अलग लेजर्स बनाए जाएंगे और उन लेजर्स को फिक्स्ड असेट्स के अंदर रखा जाएगा। मतलब कि ये कंपनी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको सेल करने के लिए परचेज नहीं किया गया। इसी तरह से परचेज अकाउंट नाम का एक ग्रुप है, कंपनी में जितना भी माल परचेज किया जाता है या जो भी परचेज रिटर्न की जाती है उन सबके अलग अलग लेजर्स बनाए जाते हैं और उन सभी लेजर्स को परचेज अकाउंट के अंडर रखा जाता है। इसी तरह से सेल्स अकाउंट है, कंपनी में जितने भी माल को सेल किया जाता है या जो भी सेल रिटर्न होती है उन सबके अलग अलग लेजर्स बनाकर उनको सेल्स अकाउंट्स के अंडर रखा जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि टेली में ग्रुप्स और लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं और कैसे अल्टर किए जाते हैं। टेली ईआरपी 9 सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, एजुकेशनल मोड में स्टार्ट करने के लिए डब्लू प्रेस करके एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होगी क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो कंपनी क्रिएट की थी उसको हमने डिलीट कर दिया था। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम सी प्रेस करेंगे, यहां पर ये सभी डिटेल्स फिल करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद यहां हम अकाउंट इन्फो पर क्लिक करेंगे और जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं अकाउंट में ए बोल्ड है, इसका मतलब ये शॉर्टकट है, तो बस हम अपने कीबोर्ड से ए प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहां पर गेटवे ऑफ टेली में ग्रुप्स और लेजर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो पहले हम ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए या तो ग्रुप्स पर क्लिक करेंगे या यहां पर जी प्रेस करेंगे जो कि शॉर्टकट है। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल ग्रुप और मल्टीपल ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप में क्या होता है कि आप एक बार में सिर्फ एक ही ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल ग्रुप्स में आप एक साथ कई सारे ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी हमें सिर्फ एक ग्रुप क्रिएट करना है तो या तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर सी बोल्ड है, मतलब ये शॉर्टकट है, तो हम सी प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने ग्रुप क्रिएशन पेज आ जाएगा, यहाँ से आप कोई भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ग्रुप का नाम डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट नाम का एक ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट। टैब प्रेस करेंगे तो आपको एलियास का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप कोई उपनाम या कोई दूसरा नाम डाल सकते हैं जिससे इस ग्रुप को पहचानने में आसानी हो। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको चूज करना होगा कि इस ग्रुप को आप किसके अंडर रखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टेली में पहले से ही 28 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो यहाँ से आप चूज कर लेंगे कि इस ग्रुप को आप किसके अंडर रखना चाहते हैं। यहाँ हम कैपिटल के अंडर इसको रखना चाहते हैं तो बस एंटर कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये ग्रुप एक लेजर की तरह से बिहेव करे तो आप यहाँ यस करेंगे, वरना आप इसको नो रहने देंगे। टैब प्रेस करेंगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग। अगर आप इसको यस करेंगे तो रिपोर्टिंग में आपको नेट बैलेंस शो होगा, आपको डेबिट या क्रेडिट शो नहीं होगा। इसको भी हम नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। अगर आप कैलकुलेशन के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, वरना इसको हम नो रहने देंगे। इसके बाद टैब प्रेस करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा कि जब आप इस ग्रुप को परचेज इनवॉइस में यूज करेंगे तो आप इसको बाय क्वांटिटी यूज करना चाहते हैं या बाय वैल्यू यूज करना चाहते हैं।
तो यहाँ पर हम नोट एप्लीकेबल को ही चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सेप्ट का, यहाँ पर या तो आप यस पर क्लिक करेंगे या फिर आप वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ग्रुप क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप और ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे। ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आप यहाँ डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे उसको देखने के लिए। ये यहाँ पर डी बोल्ड है, मतलब ये एक शॉर्टकट है, तो आप अपने कीबोर्ड से डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने ग्रुप्स की एक लिस्ट आ जाएगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट नाम का हमने जो ग्रुप बनाया है वो ग्रुप यहाँ पर शो हो रहा है। इस पर क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है अल्टर का। अल्टर में क्या होता है कि जो भी ग्रुप आपने बनाया है उसको आप एडिट कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप अल्टर पर क्लिक करेंगे या आप अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे जो कि शॉर्टकट है, तो आपके सामने ग्रुप्स की एक लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आप चूज करेंगे किस ग्रुप को आप एडिट अल्टर करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ कैपिटल अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसका नेम चेंज कर सकते हैं, कोई एलियास दिया है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, जिसके अंडर हमने इसको रखा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से हम इनको यस नो कर सकते हैं। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से यस करेंगे। इस तरीके से आप एक सिंगल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मल्टीपल ग्रुप्स की, तो इसके लिए या तो आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर आर बोल्ड है तो आप आर प्रेस कर दीजिए अपने कीबोर्ड से, तो अब यहाँ पर आप मल्टीपल ग्रुप्स को एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप चूज करेंगे कि आप इन ग्रुप्स को किसके अंडर रखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं बैंक अकाउंट्स। इसके बाद यहाँ पर हम अलग अलग स्टेट के बैंक अकाउंट्स के ग्रुप बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं दिल्ली। इसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं गुड़गांव। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं नोएडा। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं बिजनौर। टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं लखनऊ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जितने भी ग्रुप्स बनाना चाहते हैं एक साथ ही बना सकते हैं। बैक जाने के लिए आप बैक स्पेस को प्रेस करेंगे, आप बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट जाने के लिए आप टैप प्रेस करेंगे, आप नेक्स्ट आ जाएंगे। और किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए आप यहाँ डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आप उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सभी ग्रुप्स बन जाएंगे। इसके बाद इनको देखने के लिए आप यहाँ या तो डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आई बोल्ड है इसका मतलब ये शॉर्टकट है, तो आप अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे तो आपके सामने सभी ग्रुप्स की लिस्ट आ जाएगी। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं हमने बिजनौर, दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा के नाम से जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। किसी एक पर भी क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है अल्टर का। आप एक साथ यहाँ कई सारे ग्रुप्स को अल्टर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप यहाँ अल्टर पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर टी बोल्ड है मतलब ये शॉर्टकट है, तो आप टी प्रेस करेंगे, आपके सामने ग्रुप्स आ जाएंगे। जिन ग्रुप्स को भी आप यहाँ एडिट करना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे। जैसे कि हम बैंक अकाउंट्स पर डबल क्लिक करेंगे तो बैंक अकाउंट्स के अंडर जितने भी ग्रुप्स बनाए गए हैं वो सब हमारे सामने आ जाएंगे और यहीं से हम इनको अल्टर कर सकते हैं। अल्टर करने के बाद बस आप टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से आप यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ क्वाइट पर क्लिक करेंगे या क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ हम ग्रुप से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है लेजर्स का, जहाँ से आप अलग अलग लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप लेजर्स पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करेंगे एल। एल प्रेस करते ही आपके सामने लेजर्स की स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स। सिंगल लेजर में आप एक बार में सिर्फ एक ही लेजर क्रिएट कर सकते हैं, जबकि मल्टीपल लेजर्स में आप एक साथ कई सारे लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हम सिंगल लेजर सीखेंगे, तो इसके लिए या तो यहाँ क्रिएट पर क्लिक करेंगे या सी प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें व्हीकल्स का एक लेजर बनाना है, कंपनी की बहुत सारी व्हीकल्स हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हीकल्स, व्हीकल्स अकाउंट। इसके बाद हम टैप प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम कोई एलियास डाल सकते हैं, कोई उपनाम या कोई भी ऐसा नाम डाल सकते हैं जिससे हमें इसे जानने में पहचानने में आसानी हो। टैप प्रेस करेंगे, किस ग्रुप के अंडर आप इस लेजर को रखना चाहते हैं वो आप यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप से चूज करेंगे। जैसे कि व्हीकल्स अकाउंट है तो ये आएगा फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, कि इस लेजर से इन्वेंट्री वैल्यूज अफेक्ट होगी या नहीं। अगर होगी तो आप वाई प्रेस करेंगे और नहीं होगी तो आप यहाँ नो रहने देंगे। चलिए हम नो रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मेलिंग डिटेल्स डालनी होगी जिसमें नेम आ जाएगा व्हीकल्स अकाउंट। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कंट्री आ गई है, यहाँ पर स्टेट आ गई है, स्टेट आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे। नीचे यहाँ पर अगर आप चाहें तो बैंक डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए आप वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बैंक डिटेल्स नहीं डालनी, तो हम एन प्रेस करके एंटर करेंगे। इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर पैन या आईटी नंबर भी डाल सकते हैं। हम नहीं डालना चाहते तो टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं अगर उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि व्हीकल्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम डाल देते हैं 20,000 रुपीज। अभी आपको डेबिट रखना है या क्रेडिट रखना है ये आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। क्रेडिट के लिए आप सी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने एक्सेप्ट स्क्रीन आ जाएगी, यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका लेजर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से यहाँ पर आप जितने चाहे उतने लेजर्स एक एक करके क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो नोट्स को आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको इस तरह से काफ़ी सारे लेजर्स क्रिएट करने होंगे। आप कैपिटल अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से काफ़ी सारे लेजर्स आपको क्रिएट करने होंगे। और कौन सा लेजर आपको किस ग्रुप के अंडर क्रिएट करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको ये टोटल 25 लेजर्स इसी तरह से एक एक करके यहाँ पर क्रिएट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक और लेजर क्रिएट करते हैं, टेलीफोन बिल अकाउंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं टेलीफोन बिल, इसके बाद हम लिख देते हैं अकाउंट, एंटर करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बिल। इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे किस ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं। तो इसको हम एक्सपेंसेस डायरेक्ट के अंडर रखना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ चुका है। इन्वेंट्री वैल्यू इससे अफेक्ट होगी या नहीं इसको हम नो रखेंगे। टाइप ऑफ लेजर में यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल चूज कर लेंगे और यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस हम डाल सकते हैं, जैसे कि इसका हम डाल देते हैं 10,000 रुपीज। टैप प्रेस करेंगे, डेबिट करना है या क्रेडिट। डेबिट करना है तो यहाँ डेबिट रहने दीजिए, क्रेडिट करना है तो सी प्रेस करके एंटर करेंगे, ये क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने एक्सेप्ट स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेजर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम स्क्रीन से बाहर आएंगे, यहाँ पर डिस्प्ले का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे या डी प्रेस करेंगे तो आपके सामने सभी लेजर्स आ जाएंगे जितने आपने बनाए हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, लेजर्स में दो लेजर पहले से ही बने हुए होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अलावा यहाँ पर बिल, टेलीफोन और व्हीकल्स का अकाउंट हमने अभी बनाया है। तो जिसको भी हम देखना चाहते हैं बस उस पर क्लिक करेंगे, उसकी सारी डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया गया है अल्टर का, इससे आप किसी भी लेजर को एडिट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे, आपके सामने लेजर्स की लिस्ट आ जाएगी। जिस लेजर को भी आप अल्टर करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप उसको अल्टर कर सकते हैं। यहाँ से जो भी डिटेल आप चेंज करना चाहते हैं वो चेंज करेंगे। इसके बाद टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अल्टरनेशन कम्प्लीट हो जाएगा। जो भी एडिटिंग आपने की है वो अप्लाई हो जाएगी। अब नीचे आता है मल्टीपल लेजर्स का ऑप्शन। इसमें आप एक साथ कई सारे लेजर्स बना सकते हैं, या तो क्रिएट पर क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से आप आर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी लेजर स्क्रीन, जहाँ पर आप एक साथ कई सारे लेजर्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप चूज करेंगे कि आप इस लेजर को किस ग्रुप के अंडर रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम रखना चाहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ चूज करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लेजर्स के नाम डालने होंगे। जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम एक लेजर बनाना चाहते हैं वेजेस, यानी मजदूरी अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे वेजेस अकाउंट। अब यहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। अब आप ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर डालेंगे, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है तो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको रहने देंगे। जैसे कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हम 10,000 रुपीज डाल देते हैं। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे, आप डेबिट करना चाहते हैं या क्रेडिट वो आप चूज करेंगे। क्रेडिट करने के लिए आप सी प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ दूसरे लेजर का नाम डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। टैप प्रेस करेंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। इसके बाद इसमें भी आप कोई ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमें नहीं डालना,
तो बस टैब प्रेस करेंगे, इसके बाद यहाँ थर्ड लेजर का नाम डालेंगे जो भी हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं बिल्डिंग रेंट अकाउंट, टैब प्रेस करेंगे, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। इसमें भी आप यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, जैसे कि हम डाल देते हैं 50,000 रुपीज। क्रेडिट या डेबिट करेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे, यहाँ पर आप किसी और लेजर का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर आप एक साथ जितने चाहे उतने लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप टैप प्रेस करते हुए नीचे आएंगे तो एक्सेप्ट स्क्रीन मिलेगी, यहाँ पर वाई प्रेस करेंगे तो आपने जितने भी लेजर्स बनाए हैं वो सब यहाँ पर सेव हो जाएंगे, जिन्हें आप यहाँ डिस्प्ले पर क्लिक करके देख सकते हैं। या तो डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड से आप आई प्रेस करेंगे, जो कि इसका शॉर्टकट है। आई प्रेस करते ही यहाँ से आप ग्रुप चूज करेंगे, किस ग्रुप के अंडर आप लेजर्स को चेक करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर जितने भी लेजर्स बने हुए हैं उन सब की लिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अल्टर का ऑप्शन दिया गया है, या तो आप अल्टर पर क्लिक करेंगे या आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करेंगे और यहाँ से आप चूज करेंगे आप अल्टरनेशन किस में करना चाहते हैं। जैसे कि हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर चूज करके एंटर करेंगे तो हमारे सामने सभी लेजर्स आ जाएंगे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर बनाए गए हैं, और आप एक साथ यहाँ सब में अल्टरनेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे वाई प्रेस करके, इसके बाद क्लोज कर देंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्वाइट का, जिससे आप बाहर आ जाएंगे, या तो इस पर क्लिक करेंगे या क्यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ बाहर आ जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्यू प्रेस करेंगे, आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। यहाँ से आप क्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप वाई प्रेस करके टेली से बाहर आ जाएंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नोट्स की पीडीएफ दे दी है, आप उसको डाउनलोड करिए। उसमें काफ़ी तरह के लेजर्स दिए गए हैं, वो सभी लेजर्स आपको टेली में बनाने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। इसी के साथ साथ ही ईशान कंप्यूटर एकेडमी का हमने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जो भी नए वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में सीधे आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाया करेगा, और साथ ही जो नोट्स होते हैं वो भी आपको उसी चैनल में आपके मोबाइल फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। तो इससे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए बस आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसमें इस लिंक के थ्रू चैनल को ज्वाइन कर लेना है।